ताज़ातरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल के बारे में इख्तियारात से तजावुज़ का मामला संगीन हो गया है। वफाकी वज़ीर ने अपने दफ्तर और सरकारी ओहदे का गैर कानूनी इस्तेमाल किया। ज़रताज गुल ने अपनी हमशीरा शबनम गुल को डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी तैनाती के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा। ज़राए के मुताबिक ज़रताज गुल की बहन को नवाजने के लिए हंगामी तौर पर नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी या नेक्टा कमेटी का इजलास तलब किया गया। ज़रताज गुल ने शबनम गुल को डायरेक्टर नेक्टा लगवाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला से रब्ता किया। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला अजीम सुलेमान से टेलीफोनिक रब्ते के बाद खत भी लिखा गया। वफाकी वजीर के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर समीउल हक ने खत सेक्रेटरी दाखिला को लिखा। ज़रताज गुल के दफ्तर से सरकारी सतह पर लिखे जाने वाले खत का अक्स भी मंजर आम पर आ गया है। खत के मतन में लिखा गया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि आपको टेलीफोनिक कॉल पर रेफरेंस दूँ। तफसीलात के मुताबिक सेक्रेटरी दाखिला अजीम सुलेमान को लिखा गया खत मौसूल होने के बाद नेक्टा कानून के मुताबिक देखने को कहा गया। वजारत दाखिला का कहना था कि हमने हुक्म दिया कि पॉलिसी और कानून के मुताबिक देखा जाए, जिस पर वफाकी वजीर मुमलिकत ज़रताज गुल ने बताया कि इनकी बहन सियाहत पर PhD हैं। ताहम अब ये नेक्टा का काम था कि वो ये देखता कि इनकी बहन PhD हैं या फिर नहीं। नेक्टा हुकाम ने हुकूमती वफादारी हासिल करने के लिए वफाकी वजीर मुमलिकत को नवाज दिया। ज़रताज गुल की बहन शबनम गुल की PhD मुकम्मल नहीं हुई। शबनम गुल लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं। यूनिवर्सिटी में शबनम गुल ने 2010 में पॉलिटिकल साइंस में PhD में दाखिला लिया। शबनम गुल 9 साल गुजरने के बाद भी डिग्री मुकम्मल ना कर सकें। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ज़रताज गुल की जानिब से मैसेज किया गया और कहा गया कि इनकी बहन का सब्जेक्ट सियाहत है। ज़रताज गुल का कहना था कि मेरी बहन शबनम गुल को कानून और पॉलिसी के तहत डायरेक्टर नेक्टा तैनात किया गया। इस हवाले से जब वफाकी वजीर ज़रताज गुल की बहन शबनम गुल से राबता किया गया तो उन्होंने मौके देने से गुरेज किया। वजीर मुमलिकत ज़रताज गुल की बहन की तैनाती के पर नेक्टा की वजाहत भी सामने आ गई है। नेक्टा की जानिब से कहा गया है कि 12 वफाकी और सूबाई अफसरान ने दरख्वास्तें दीं। पोस्ट के लिए दरख्वास्तें देने वालों में 17 से 19 ग्रेड के अफसरान शामिल थे। ताहम शबनम गुल की तैनाती पर सोशल मीडिया सारिफीन ने हुकूमती इकदाम को सख्त तंकीद का निशाना बनाया है।